बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे। हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफी अपने भाई हमजा के लिए दो चादरे लेकर के कफन की आती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफो जो दो चादरें ले आई है, कहा एक चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की और मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से पटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए दो चादरें लाई हैं उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी, अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इस खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था। इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था, इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनत पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं, चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर अबू बकर इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर भूख ने घर में टिकने नहीं दिया, हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है, जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे, हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की बंदा नवाज आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा जबा करके दिया, कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए। नकाहत के आसार इतने वाजे थे कि समझ आ रही थी कितने दिनों से हुजूर ने कुछ नहीं खाया। उठ के बाग में चले गए, खजूरों का खोशा तोड़ा, हुजूर के सामने रखा, कहा बंदा नवाज जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खजूरें तनावल फरमाएं। थोड़ी देर के बाद खाना दस्तरखान पे लग गया। हुजूर से अर्ज की गई हुजूर आए खाना तनावल कर लें। हुजूर ने दस्तरखान
پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں